ग्लैंड जी बेसिकली कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड है ठीक है और इन्होंने सिक्रेट करनी होती है म्यूकस और म्यूकस का काम है प्रोटेक्शन करना इनर लेयर ऑफ इंडस्टाइन की अच्छा अब ये जो म्यूकस है ये प्रोड्यूस किस तरह होती है इसका स्टेमुलस ऐसी क्या चीज़ है जो स्टेमुलेट करती है म्यूकस की प्रोडक्शन को इन in स्मॉल तो स्टेमुलस है जी वही टेक्टाइल स्टेमुलस या कोई इरिटेशन होगी तो फिर उसमें जब जब फूड का बोलस आके लगेगा अंदर तो उससे टेक्टाइल स्टेम टेक्टाइल स्टेमेशन होगी यानी कि टेक्टाइल स्टेमुलस जाएगा म्यूकस प्रोड्यूस होगी कोई इरीटेटिंग चीज़ आ गई है तो भी म्यूकस प्रोड्यूस होगा

अब भाई अगर आप अगर आपको मैंने बता दिया कि स्टेमुलेट कौन करता है म्यूकस की प्रोडक्शन को तो अब ये भी बताना पड़ेगा कि इनहेबिट कौन है तो करता है म्यूकस की प्रोडक्शन को तो भाई अगर हम कहेंगे अगर स्टेमुलेट करता है पैरासिम्पथेटिक डिस्चार्ज तो ऑब्वियसली इनहेबिट करेगा सिम्पथैटिक डिस्चार्ज अब जब भी सिम्पथेटिक डिस्चार्ज बढ़ेगा तो म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और इसका बड़ा ज़बरदस्त एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर कुछ लोगों को एनजाइटी होती है और तो उनमें वो एक एक्साइटेबल स्टेट में हर वक्त रहते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं जिसकी वजह से एक्साइटेबल स्टेट में रहने से मतलब कि क्या है कि एनजाइटी में क्या होता है कि सिंपथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है जब सिंपथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाती है सिंपथेटिक डिस्चार्ज इनहबिट कर देता है म्यूकस की प्रोडक्शन को जब म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो प्रो टिव म्यूकस की लेयर बननी थी वो नहीं बनेगी और जब वो लेयर नहीं बनेगी तो फिर उसकी वजह से अल्सर्स बनने शुरू हो जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर्स और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत कॉमन है विच इज ड्यूडिनम तो ड्यूडिनल अल्सर्स बहुत कॉमन है तो अगर हम कहें जी टोटल पेप्टिक अल्सर जो आपके गट में बनते हैं उनका 50 परसेंट जो है वो

ये है क्रिप्ट ऑफ लेबर ये बेसिकली स्मॉल पिट्स होती हैं ओवर दी एंटायर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन ये जो पिट्स है ये क्रिप्ट ये है क्रिप्ट ऑफ लेबर है प्राइमेल इनका फंक्शन क्या है सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूसेस आगे देखते हैं अब जी पहली बात इस क्रिप्ट ऑफ लेबर के अंदर कौन से सेल्स होते हैं तो जी इसके अंदर भी गोब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम क्या है वही म्यूकस प्रोड्यूस करना तो चलो ठीक है जी ये भी कहते हैं कि हम भी थोड़ी सी म्यूकस प्रोड्यूस कर लेते हैं ओके नो प्रॉब्लम फिर क्रिप्स ऑफ लेबर कैसे होते हैं के, थे, के, थे, के थे, ये सही काम की चीज़ है और एंटेरोसाइट्स जो हैं ये सेल जो हैं इनका तो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और ये ढेरों ढेर सिक्रीशन निकालते हैं एक दिन में कितनी सिक्रीशन निकालते हैं एंटेरोसाइट एक दिन में 1.8 लीटर्स 1800 हंड्रेड एम एल पर डे निकालते हैं स्क्रीशन और ये जो स्क्रीशन जो निकाल प्रोड्यूस करते हैं इनका पी एच भी नॉर्मल ग्री होता है इनके सेवन फाइव सेवन पॉइंट फाइव टू एट होता है स्लिड लाल होता है सेवन पॉइंट फाइव टू एट पी एच होता है अच्छा जी इनका काम क्या है एंटे का एंटेरसाइट का नंबर वन काम है टू सिक्रिएट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को सिक्रिएट करता है नंबर टू इसका काम यह है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और नंबर थ्री इनका काम है कि ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएबजॉर्ब भी करता है और एंड जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं एंड वाली यानी कि अमाइनो एसिड ग्लूकोज वगैरह उनको भी एब्जॉर्ब करता है ये तो तीन काम हो गए एक एक सिक्रीशन ऑफ वाटर एक रीअब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड एंड प्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन और तीसरी इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करवाते हैं अच्छा जी पहले ये देख लेते हैं कि सिक्रीशन ऑफ वाटर किस तरह होती है भाई सबसे पहले यार जब भी हमने वाटर की सिक्रीशन करानी है सबसे पहले हमने वाटर की सिक्रीशन या रीअब्जॉर्बेशन हमने करानी है ना तो जिस

तो और जब सोडियम का बाइक जगह चले गए तो ऑस्मोटिक ड्रैग से पानी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं ये मैकेनिज्म है वाटर सिक्रीशन का और इलेक्ट्राइड सिक्रीशन का एन एंटे एन स्मोल अच्छा जी उसके बाद यार ये सबसे फिट और मजेदार चीज है कि एंटेरोसाइड्स के पास ढेरों ढेर एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के लिए पैप्टाइडेज और कार्बोहाइड्रेट्स जो है डाई के लिए उन्हें मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने के लिए सुक्रेज माल्टेज आइसोमालेज लेक्टेज ये सारे पढ़े हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर में अच्छा और लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज पेप्टाइडेज क्या करता है पेप्टाइड को माइनोस में कन्वर्ट करता है सुक्रेज माल्टेज आइसोमालेक्टेज क्या करता है डाइसेकराइड्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है डाई लाइक लेक्टोज माल्टोज सुक्रोज ठीक है

प्राइमरी फंक्शन क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स इन टू द ब्लड प्राइमरी फंक्शन क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का तो हम कहेंगे स्मॉल इंस्टस्टाइन काोडक्ट इन टू द ब्लड हम इसकी स्क्रीन डिस्कस कर रहे थे मगर इसकी स्क्रीन ज्यादा असल चीज इसकी एब्जॉर्प्शन है ठीक है जी थी तो ये म्यूकस बनाएंगे क्रिप्स ऑफ लेबर कर जिनमें गोबलर सेल होते हैं और इन होते हैं गोबलर सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट भी करते हैं वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब भी करते हैं और एंड ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं और इनमें ढेरों ढेर इंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन काब्ज और फैट्स सारों को ही तोड़ते हैं सो बड़ा इंपॉर्टेंट मज़ेदार ये लेक्चर था सी यू इन नेक्स्ट पार्ट